ओके okay, आज हम लोग बात करते हैं कि मेंटोर बढ़िया है या बुक्स बढ़िया है। ठीक है, पहले हम लोग मेंटोर के बारे में बात करते हैं, थोड़ा डिस्कशंस, उसके बाद फिर बुक्स के बारे में बताएं, फिर दोनों क्या है उसमें बेस्ट बताएं। ओके okay, पहली चीज़ तो मेंटोर चाहिए क्या उसके बारे में डिस्कस करते हैं। राइट, आप फोर्ब लिस्ट में देखेंगे, उसमें आप बिल गेट्स ले लो, मार्क जकरबर्ग ले लो, मार्क क्यूबेन, कोई भी है, ओपेरा विनफ्रे, सबका मेंटोर है, वो अपना मेंटोर के साथ इंट्रोड्यूसन करते हैं। अगर आप मेंटोर नहीं बोलते हैं तो कोई भी आपको अरोगेंट समझेगा, डिसरेस्पेक्टफुल, मतलब इसको तमीज़ नहीं है, ये कभी सुधर नहीं सकता है। यू नो, अगर कोई बोलता मैं खुद ही आया है, सो इट्स वेरी वेरी रेयर केस, ऐसा नहीं होता है। जैसे आप फ्लाइट से उतर गए हो, आपको कहीं पर जाना है, राइट, मैं ड्राइव करते करते देख लूँगा या कोई पे पूछ पूछ के मैं जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ना आप अभी जैसे हम लोग संडे वगैरह कभी जाते हैं तो डैम रिवर वगैरह ऐसा ढूंढ के जाते हैं, तो गाड़ी निकला, जीपीएस है तो सीधा बताएगा इस तरफ, यहाँ से लेफ्ट टर्न राइट टर्न, बराबर वो जगह पे छोड़ेगा। क्योंकि जंगल में जाते हैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कोई सामने मिलता ही नहीं है, तो वहाँ पे आप रास्ता किसके पास पूछेंगे, अगर जीपीएस है तो करेगा। सो मेंटोर एक जीपीएस की तरह काम करता है जी, उनको मालूम है कि आप जहाँ पहुँचने वाले वहाँ पे क्या होता है, रास्ते पे क्या होता है, वो सब कुछ आपको डिटेल बता सकते हैं, ट्रैफिक टर्म कितना होगा, रोड यहाँ पे वर्किंग नहीं है, सब कुछ बता सकते हैं। सो आपको मेंटोर की इससे काम आएगा। सेकेंड, अलेक्जेंडर का पापा ने एरिस्टोटल करके उनका मेंटोर को 15 साल में ही उनको एक मेंटोर बिठा दिया। ठीक है, और उनका ग्रोथ कहाँ तक गया, राइट। हाँ, अलेक्जेंडर उनका बुक्स भी उनके साथ में चलता था, वो जहाँ जहाँ भी जाते थे उनके साथ बुक भी जाता था, राइट, और मेंटर भी होता था। सो ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके थ्रू। आप कोई भी म्यूजिक आप देखेंगे ना, म्यूजिक में कोई आके बोलेगा कि मेरा गुरु ये है, मेरा गुरु वो है, ऐसा गुरु बोलने के बाद ही वो म्यूजिक में उनको बड़ा माना जाता है ना। हर कोई अपना प्राउड से फील करता है, ये मेरा तो सब जगह फिर होगा। तो अपना पर्सनल कोचिंग के लिए या फिर अपना बिजनेस कोचिंग के लिए क्यों मेंटर नहीं होना चाहिए, राइट। सो इसका गलत फहमी नहीं होना चाहिए। देखिए, हम लोग मीडिया में देखते हैं, मीडिया कैन लाई, यू नो, आपको जो उसकी न्यूज़ में देखे उसको देखे हम लोग कुछ भी चीज़ भरोसा नहीं कर सकते हैं। मेंटर होगा जो हम लोग जो गलत रास्ते पे जाते हैं वो हमें बता सकते हैं। ठीक है, पहले आगे जाके क्या होगा वो पहले हम लोग को सूचित किया जाता है, उनके ऊपर एक्सपीरियंस होता है। सो दैट इज द रीज़न मेंटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक बार अर्नॉल्ड सिल्वेस्टर जो है ना, ट्रू लाइफ में है, उन्होंने एक बार अपना मूवीज़ में देखा, राइट, मूवीज़ में आपने उनका देखा रहेगा। पहले वो जो जिम करते थे उनको कभी पता नहीं चलता था कि वो कौन सा जिम कर रहे हैं, कैसे करना है, उनको कुछ पता नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया, जाके उनका एक्सपर्ट है रॉबर्ट पैक करके, उनको रेक पैक उनको जाके मिला, बोला मुझे बताओ ना, मैं बहुत कर रहा हूँ लेकिन मुझे नहीं हो रहा है कि ये मेरा बन नहीं पा रहा, राइट। फिर उन्होंने साथ में जिम गया, उनको बताया क्या कर रहे हो, तो बोला वो 400 पाउंड्स लेके कुछ रहा, नहीं, इसमें यहाँ पे 900 डाल के करो फिर ऐसा होगा उसके। तो ये जहाँ पे उनका सेटिंग नहीं हो रहा था वो खुद ही लर्न सीख रहे थे ना, उन्होंने जाके उस दिन से उनका लाइफस्टाइल बदल गया, उनका जिम का भी रूट बदल गया। दैट इज़ अ टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज लाइफ। ओके, सो हर कोई उसके बिना कुछ बन ही नहीं सकता है, यू नो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटर आपको ये भी कर सकता है कि कभी आप दुखी हो, कभी लेजी हो, आप नहीं कर पाते हो, तो आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको पुश कर सकता है, आपको आप कभी कुछ नहीं करते हो तो आपको ये कर सकते हैं। मेंटर के साथ काम करना वर्क स्मार्ट हो जाएगा, विदाउट मेंटर काम करना हम लोग हार्ड वर्क करते हैं ना, हार्ड वर्क तो सब लोग करते हैं, राइट, लेबर भी हार्ड वर्क करता है, स्मार्ट वर्क करने का डिफरेंस ही हो सकता है। मेंटोर में पहले तो आपको सेलेक्ट करना है किस तरह के मेंटोर में, वो कई लेवल के होते हैं, जो ABCD सिखाते हैं या फिर ये बहुत हाई लेवल के सिखाते हैं, बीच में 2 लेवल है वहाँ पे सिखाते हैं। अगर आप ABCD स्टार्ट करते हो आपको ABCD में जाके सिखाना पड़ेगा, राइट। अगर आप हाई लेवल के हैं तो उस तरह के मेंटोर के पे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लेवल पे उतर के बात नहीं कर सकते हैं, सो गाड़ी वहाँ पे अटक सकता है। सो आपको मेंटोर चूज़ करने के टाइम पे उस तरह का चूज़ करना चाहिए। सेकंड, एक बार आ गया तो पीछे नहीं हटना,
ओके, क्योंकि उसको पहले तो पूरा चांद बिन करके उसके बाद ही आप मेंटोर बनेगा, उनका जो भी फीस है आप दीजिएगा, उसके बाद फिर अगर एक बार आ गया तो जब तक उसको आप मकाम हासिल नहीं करते हो तब तक आप उसको छोड़ना नहीं, दैट इज़ ऑल्सो बेस्ट वे कंपेरेटली. अभी बात करते हैं मेंटोर और बुक्स का क्या डिफरेंस है. मेंटोर में क्या होता है, आपका कई आप गलत रास्ते पर चलते हो कोई बता सकता है, लेकिन आप वीडियो गलत देख रहे हो ये आपको बिजनेस में काम नहीं करेगा, या करने के बाद आपको आगे इतना तकलीफ हो सकता है, ये सक्सेसफुल नहीं होगा, ये कौन बताएगा, मेंटोर बता सकता है. सो वीडियो देखने से यूट्यूब देख के मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, पॉसिबल नहीं. या फिर आप बुक्स पढ़ के बड़ा आदमी बन सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट दैट श्योर. मेंटोर जरूरी है, उसके साथ में बुक्स भी है, वीडियोज भी है, इसके साथ आप कर सकते हो. सेकेंड, यू कैन सेलेक्ट मेंटोर्स ऑन हाई लेवल, और स्पेशली जब आप रास्ता भटक जाते हो उस समय मेंटर बहुत कम आएंगे. सेकंड, आप आलसी हो जाते हो, फिर थका हुआ फीस करते हो, तभी हो सकता है ना. मेरे तो जस आते हैं उनको, अगर हम बिजनेस स्ट्रेटेजी हम लोग प्लान करते हैं तो एक बार मैंने पूरा स्ट्रेटेजी बना के दे दिया तो फिर थोड़ा सा दो तीन दिन गायब हो जाता है, बोले क्या हुआ फिर, बोले हाँ ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है. तो एक बार उनको लगता है कि किसी को मुझे जवाब देना है, काम उनका है, मकसद उनका है, बिजनेस उनका है, लेकिन जब उनको लगता है कि मैं किसी को जवाब देना है तो काम करना चालू करते हैं. फिर कहीं पे जाके बोलते हैं सर इधर अटक गया, इसके आगे मेरी गाड़ी नहीं जा रही है, ओके फिर ऐसा ऐसा करो, ऐसा हो सकता है. फिर उनके पास चार पांच छः सात आइटम करने का मूड में होगा, लेकिन उनको पता नहीं है ये करने से सही होगा नहीं होगा. सो उस समय मेंटर बहुत काम आएंगे, राइट. और मेरा भी मिंटी के साथ बहुत मतलब वो बहुत ही परेशान हो जाता है, गुस्सा में कभी झगड़ा होता है यू नो, फिर बोलते हैं सर गालियाँ वालियाँ दो, झगड़ा आप डांटो चलेगा, लेकिन आप ऐसा मत करो, क्योंकि एक बार वो जो टेंशन आता है फिर वो चीज़ें क्लियर होती है, फिर वो लाइन पे आते हैं, ये सब ऐसा होता रहेगा. सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग मेंटोर और मेंटर्स का, बट मेक श्योर, मैं उस तरह का मेंटोर की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनकी क्लास चलती है आप जाके बैठ जाते हो और घर पे आते हो या खाना टाइम पे कोई बात करते हो, उस तरह का नहीं मेंटोर की बात कर रहा हूँ. आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्सनल कोच वेयर डे टू डे बेसिस में आपकी बिजनेस में नेक्स्ट लेवल में क्या होनी चाहिए, आपका बिजनेस में दिक्कतें कहाँ पर आ रही हैं, ओके या आपकी जो पर्सनल कोचिंग है, आप जो पर्सनल लाइफ है वहाँ पे एग्जैक्टली सर मैंने इनके साथ ऐसा ऐसा किया, ये ऐसे कर रहे हैं, अभी क्या करना चाहिए, इस तरह का सोल्यूशन देने वाला मेंटोर चाहिए. मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है जो रेडीमेड कपड़ा लेके आते हैं, 36 साइज 42 44 ले लो ऐसा. सो बिजनेस आर नॉट दैट सेम, राइट. आप भी उतना सेम नहीं हो, आपकी एजुकेशन लेवल, आपकी स्ट्रेंथ्स, आपकी वीकनेस सब अलग अलग है. सो ये सब जान के उसके ऊपर आपको मेंटर चूज करना है, एंड देन यू विल बी वेरी सक्सेसफुल, राइट. थैंक यू.